हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। मैं एलिस हुसैन फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें आप रोज़ की यहाँ से 20 से 30 रुपए की सेल्फ अर्निंग कर सकते हो। और अगर आपको यहाँ पर रेफरल अर्निंग करनी है तो आप यहाँ पर रोज़ की 50 से 60 रुपए तक यहाँ की सेल्फ अर्निंग पेटीएम में ट्रांसफ़र कर सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं बता देता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए, वो बिल्कुल फ्री है। बाजू में नोटिफिकेशन का बेल दिख रहा होगा, बेल का आइकॉन है, उसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। अगर आप लाइक करोगे तो आपके लिए मैं ऐसे अमेजिंग वीडियो लाता रहता हूँ। चलो अभी एप्लीकेशन का नाम आपको बताने से पहले आपको बता दूं आपको एप्लीकेशन डाउनलोड कैसे करनी है। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको जो यहाँ पे टाइटल दिख रहा होगा, टाइटल के बाजू में आपको तीर का निशान दिख रहा होगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे एक ब्लू कलर की लिंक दिखेगी, उस ब्लू कलर के लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो है प्ले स्टोर में लेकर जाएगा, और जो भी एप्लीकेशन आपके सामने दिखेगी उस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपके सामने कैसा आइकॉन आएगा आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। एप्लीकेशन आइकॉन आपके सामने यहाँ पे दिख सकता है, ये कुछ ऐसा एप्लीकेशन का आइकॉन है। एप्लीकेशन का नाम है बाय इमेज ऑनलाइन। एप्लीकेशन का नाम थोड़ा हटके है और एप्लीकेशन का काम भी थोड़ा हटके है। जब आप एप्लीकेशन ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको अलाउ के बटन पर क्लिक कर देना है। अलाउ के बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको क्रिएट अकाउंट न्यू अकाउंट का ऑप्शन नीचे दिख रहा होगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद फिर से आपको आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना नेम भरना है, मोबाइल नंबर भरना है, ईमेल आईडी भरनी है, और स्टेट भरना है, आपका कौन से स्टेट में रहते हैं वो भरना है, और बाद में मेल फीमेल सिलेक्ट करके रजिस्टर कर लेना है। और ज़रूरी बात, एक खास बात यह है कि आपको नेम में स्पेस नहीं रखना है, बिना स्पेस रखे आपको नेम कंप्लीट करना है, वरना आप यहाँ पे रजिस्टर नहीं हो पाओगे। बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे तीर का निशान दिख रहा होगा, उसके तीर के निशान पे आपको क्लिक कर देना है। उस तीर के निशान पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको रेफरल नंबर पूछ रहा होगा, स्क्रीन के ऊपर आपको रेफरल नंबर पूछ रहा है दिख रहा होगा। आप यहाँ से वहाँ से रेफरल नंबर लेके आप यहाँ पे रेफरल नंबर भर दीजिए, और सिक्योरिटी कोड और कंफर्म सिक्योरिटी कोड मतलब आपको पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड करके आपको यहाँ पे नीचे लिखा होगा डू यू एग्री टर्म्स एंड कंडीशन, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको साइन इन के बटन पे क्लिक कर देना है। साइन अप के बटन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से कुछ ऐसा आपको यहाँ पे OTP आएगा, OTP का आपको फिल कर लेना है, और OTP फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाओगे। सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाने के बाद आपके सामने कैसा इंटरफेस आएगा यहाँ पे आपको मैं एप्लीकेशन ओपन करके दिखा देता हूँ। जब आप एप्लीकेशन ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे टैब्स दिख रहे होगा। आप सबसे पहला टैब का नाम है बोर्ड, दूसरी टैब का नाम है नोटिस, तीसरे टैब का नाम है रिवॉर्ड एंड स्टेटस, रेटर्स, अपलोड एंड लॉगआउट। आपको इसमें वर्क कैसे करना है यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पे बोर्ड का निशान दिख रहा होगा सबसे पहला, उसके बाजू में एक एरो का ऑप्शन दिख रहा होगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने जो भी आपको टास्क करना है वो आपके सामने दिख रहा होगा। आपको इंस्टॉल करना है, क्लिक करना है और इंप्रेशन करना है। अगर आपका टास्क नया होगा तो आपको यहाँ पे नीचे न्यू का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस न्यू आ जाएगा, और अगर आपका टास्क इनकम्प्लीट होगा तो यहाँ पे रिज्यूम का ऑप्शन आ जाएगा। जब भी आपको टास्क चालू करने के लिए आपको क्या करना है यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको इंस्टॉल 0 मिला है, आपको क्लिक 1 मिला है, और आपको इंप्रेशन 11 मिले हैं। सबसे पहले आपके इंप्रेशन कंप्लीट करने होंगे तो आप यहाँ पे गो का बटन दिख रहा होगा, उस गो के बटन पर क्लिक कर दीजिए। आपको यहाँ पे देख सकते हैं गो के बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ब्लैक कलर के छोटे छोटे पत्थर के आप यहाँ पे लोडिंग ले रहा होगा, और आपके ऊपर और नीचे दो एड्स आ जाएगी। आपको क्या करना है, ये जो पत्थर का जो घूम रहा है उसको आप कंप्लीट होने देना है। जब वो घूम के कंप्लीट हो जाएगा तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका एक इंप्रेशन कंप्लीट हो चुका है। बाद में आपको यहाँ पे नेक्स्ट का बटन दिख रहा होगा, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे 11 थे, मैंने एक इंप्रेशन कंप्लीट कर लिया आपके सामने। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी मैं आपके सामने फटाफट से 11 इंप्रेशन कंप्लीट कर लेता हूँ। सिंपली दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 11 इंप्रेशन कंप्लीट कर लिए। अभी आपको क्लिक की बारी आएगी, आपको क्लिक कैसे कंप्लीट करना है यहाँ पे आपको मैं समझा देता हूँ। आपको क्लिक कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे आपको गो के बटन पर क्लिक करना है। गो के बटन पर क्लिक करने के बाद फिर से आपके सामने कुछ ऐसा आपके सामने ये पत्थर घूम रहे होगा। आपको यहाँ पे पत्थर घूमने तक यहाँ पे आपको वेट करना है। जब यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा तब आपको क्या करना है आपको मैं समझा दूंगा। सिंपली दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पत्थर सब कुछ हो चुका है, नीचे लिखा हुआ आ चुका है क्लिक ऑन एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पे आपको ऊपर और नीचे एडवर्टाइजमेंट दिख रही होगी, कोई भी एक एडवर्टाइजमेंट ऊपर आपको क्लिक करना है, और वहाँ पे आपको 20 से 30 सेकंड वेट करना है। यहाँ पे मैं एडवर्टाइजमेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आपको प्ले स्टोर में या फिर
कोई भी जगह पे आपको वेबसाइट पे लेके जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे को प्ले स्टोर में लेके आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो, आप यहाँ पे ओपन होने देना है। ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको 20 से 30 सेकेंड वेट करना है सिंपली दोस्तों। यहाँ पे मैंने 20 से 30 सेकेंड वेट कर लिया है। बाद में आपको क्या करना है, बैक जाना है। बैक जाने के बाद यहाँ पे आपको लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आ जाएगा, योर टास्क हैज़ बीन कम्प्लीटेड। टास्क कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पे आपको इसका पैसे कितना मिला है आपको देखने के लिए यहाँ पे आपको नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद यहाँ पे रिवॉर्ड एंड स्टेटस का ऑप्शन दिख रहा होगा, उसके बाजू में एरो का बटन दिख रहा होगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन आ जाएगा, पहला वाला रिवॉर्ड, दूसरा है रिडीम और तीसरा स्टेटस। आपको रिडीम के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एक टास्क कंप्लीट करने का आपको यहाँ पे 1.25 रुपीज़ मिल चुका है। और अगर आपको यहाँ पे हर सब टास्क कंप्लीट कर लोगे तो आपको यहाँ पे रोज़ की 20 से 30 रुपये की अर्निंग हो जाएगी। अगर आपको यहाँ पे पेटीएम में ट्रांसफ़र करना है तो फिर से यहाँ पे मैं रिवॉर्ड स्टेटस में जाता हूँ। रिवॉर्ड स्टेटस में जाने के बाद दूसरा जो रिडीम का ऑप्शन है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको 10 रुपये होते हैं, इसमें पेटीएम ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। पेटीएम ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ पे आपको अपना क्यूआर कोड अपलोड करना होगा। क्यूआर कोड कैसे आता है आपको यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। जब आप पेटीएम ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे ऊपर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको एक्सेप्ट पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा होगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी आपके यहाँ पे आता है उसको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको एप्लीकेशन ओपन करना है। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं बैक जाता हूँ। बैक जाने के बाद आपको नीचे 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 जाता हूँ, यहाँ पे आपको अपलोड का बटन दिख रहा होगा, अपलोड के बटन पर आपको क्लिक करना है। अपलोड के बटन पर क्लिक करने के बाद पहला स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पे पेटीएम क्यूआर कोड का अपलोड करना है। यहाँ पे आपको डाउनलोड का बटन जैसा दिख रहा होगा उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद जस्ट वंस गैलरी में जाना है। गैलरी में जाने के बाद आपको यहाँ पे अपलोड कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे मेरे को लिखा हुआ आ चुका है था स्क्रीनशॉट अपलोडेड। दूसरा स्क्रीनशॉट आपको क्या लेना है, आपको एप्लीकेशन जब आप डाउनलोड कर रहे होगे प्ले स्टोर में, तब आपको प्ले स्टोर में डाउनलोड हो जाने के बाद तुरंत आपको 5 स्टार की रेटिंग दे देनी है। 5 स्टार की रेटिंग देने के बाद उसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। और यहाँ पर दूसरा स्क्रीनशॉट यहाँ पर आपको उसका डालना है। वो दोनों डालने के बाद अब आपको यहाँ पे कितने टास्क मिलता है आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहला ऑप्शन है बोर्ड का, उसके बाजू में एरो का बटन है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सबसे पहला टास्क कंप्लीट कर लिया है, तो यहाँ पे स्टेटस में लिखा आ चुका है कंप्लीट। बाद में आपको कितने टास्क मिले आपको देखने के लिए आपको यह करना है, यहाँ पर टूडे जॉब वन सबसे ऊपर दिख रहा होगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको कितने टास्क मिले। यहाँ पे मेरे को रोज़ के 6 टास्क, आज के मेरे को 6 टास्क मिले। आपको रोज़ के 7, 8, 10 टास्क तक, मैक्सिमम 10 टास्क तक मिलते रहेंगे। अगर आपको यहाँ पे 10 टास्क मिल जाते हैं आपके यहाँ पे रोज़ की 20 रुपये की अर्निंग हो जाती है। और मिनिमम रिडीम इसमें 10 रुपये का है, तो आप इसमें फटाफट से इसमें वर्क करना चालू कर दीजिए और एप्लीकेशन में से अपने सेल्फ अर्निंग पेटीएम यहाँ पे कमा सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलेगा। मैं दूसरी वीडियो में आपके लिए मैं इस एप्लीकेशन का पेटीएम प्रूफ लेते आऊँगा और आपको यहाँ पे दिखा दूँगा कि ये एप्लीकेशन रियल एप्लीकेशन है और जेन्युइन एप्लीकेशन है। सो आप इसमें जी भर के वर्क कीजिए। और अगर आप इसमें रेफरल अर्निंग करोगे तो आपको यहाँ पे रोज़ की 40 से 50 रुपये, 60 रुपये तक की आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और मेरा चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर दीजिए। और सामने बेल का आइकॉन दिख रहा होगा, उस बेल के आइकॉन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। सिंपली दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। साइनिंग आउट।